नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम जेमकॉन स्पेशल केमिकल सरका डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो जो स्टॉक है कौन सा सेक्टर से बिलोंग कर रहा है एंड उस स्टॉक का इंडस्ट्री क्या है। जो सेक्टर है वो है केमिकल्स का एंड इंडस्ट्री है वो है केमिकल्स का। देखिए, स्टॉक का प्राइस लिस्ट होने के बाद बहुत ही रुलाया है इन्वेस्टर को, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेड में चल रहा है। लेकिन जिस टाइप का अभी सेटअप देखने को मिला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है, जो कि आगे हम डिटेल्स में कवर करेंगे। देखिए, स्टॉक का करंट प्राइस अभी चल रहा है 252 का एंड बुक वैल्यू कितना है 125। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.07। देखिए, स्टॉक का जो मार्केट कैप है 924 करोड़ का, एक छोटा सा स्मॉल कैप कंपनी है एंड रिजर्व कैश है 421 करोड़ का। डिविडेंड यील्ड 1.59%, इसका मीनिंग है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसीलिए तो आपको डिविडेंड दे रहा है ना। स्टॉक का पी चल रहा है 25.9 का, इंडस्ट्री का पी चल रहा है 29। इंडस्ट्री पी के नीचे स्टॉक का पी चल रहा है। अगर आप यहाँ पे लास्ट वन ईयर का रिटर्न देखेंगे -37%, क्योंकि देखिए स्टॉक प्राइस अभी कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड फाइबर का रिटर्न, थ्री ईयर का रिटर्न अवेलेबल नहीं है बिकॉज स्टॉक का प्राइस अभी लेटेस्ट लिस्ट हुआ है। अगर आप इसका डेप्ट इक्विटी देखेंगे 0.14, जो कि मैनेजेबल है, बिलो 1 डेप्ट टू इक्विटी आप उसको मैनेजेबल मान सकते हैं। अगर आप प्रमोटर का यहाँ पे होल्डिंग देखेंगे 74.5%, जो कि पॉजिटिव साइन है कि मालिक का कंपनी के ऊपर फेथ है, जिसकी वजह से तो हायर क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं ना। अब हम चलते हैं इसका क्वार्टर टू क्वार्टर एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं, ये जो कंपनी किस टाइप का रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। देखिए, जून 21 में इसका सेल्स था 57 करोड़ का एंड अभी सेल्स कितना है 80 करोड़ का। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे जून 21 में था 13.4 करोड़ का, लेकिन अभी है 6 करोड़ का। देखिए, सेल्स अप ट्रेंड में चल रहा है लेकिन प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि लगातार प्रॉफिट धीरे धीरे करके हर क्वार्टर में रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे 25 करोड़ का प्रॉफिट पिक था, 22, 10, 11, अभी 6। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल है एंड हर क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अगर एक बार सेक्टर में मोमेंटम आना स्टार्ट कर देगा, केमिकल सेक्टर का स्टॉक बहुत टाइम से अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक बार जब सेक्टर में परफॉर्मेंस आना एक बार स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ये स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर लेगा एंड उसका नेट प्रॉफिट सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल है। अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी में टेक्निकल चार्ट सेटअप बन जाता है, टेक्निकल में ट्रिगर बन जाता है, तो उसमें बड़ा मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी है। अब हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, उसके बाद जाकर चार्ट में देखेंगे किस टाइप का सेटअप दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रमोटर यहां पे होल्ड कर रहे हैं 74.5%, जो कि पॉजिटिव साइन है, मालिक का फेथ कंपनी के ऊपर है, ये दर्शाता है। देखिए, एफआई होल्ड कर रहे हैं 0.01, जो कि नेग्लिजिबल है, 0 के बराबर है। DI यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 0.27, जो कि बहुत ही लो क्वांटिटी है एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 25.25%। अगर बिग इन्वेस्टर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी बिग इन्वेस्टर इन्वेस्टेड नहीं है। देखिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर किसी भी स्टॉक में एबव 20% रहेगा ना, वो कंपनी के लिए रेड फ्लैग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पब्लिक का होल्डिंग 25.25% है एंड इन बिटवीन कोई भी बिग इन्वेस्टर नहीं है। इसका मीनिंग है कि जो यहाँ पे 25% होल्डिंग है ना, वो सारा हमारे जैसा रिटेल पब्लिक होल्ड कर रहे हैं, जिनके पास होल्डिंग बिलो 1% है, क्योंकि हम कभी भी एबव 1% होल्डिंग रख नहीं सकते ड्यू टू आर लो कैपिटल। तो क्लियर कट देखिए, यहाँ पे सब रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके होल्ड करके 25% होल्ड कर रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि एक स्टॉक में एंट्री करने के लिए तीन तरीका है। पहला हो गया टेक्निकल, जहां पे हम किसी भी कचरा स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड हो गया फंडामेंटल, जहां पे हम स्ट्रांग फंडामेंटल स्टॉक को बाय ऑन डिप करते हैं। थर्ड, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, इस टाइप का कैटेगरी में हम ऐसा स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा। तो जो यहाँ पे जेमकॉन स्पेशलिटी है उसको हम मिक्स करेंगे टेक्निकल प्लस फंडामेंटल के ऊपर, क्योंकि ये जो स्टॉक है हर क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जो कि एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी कमा रहा है, उससे ज़्यादा और क्या चाहे। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट में किस टाइप का सेटअप दिखाई दे रहा है।
हमेशा से याद रखिएगा, जब भी प्राइस किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा एक अपट्रेंड चैनल को फॉलो करेगा, नीचे आएगा एक डाउनट्रेंड चैनल को फॉलो करेगा, अगर कंसोलिडेशन करेगा एक फ्लैट चैनल को अंदर कंसोलिडेशन करेगा। हमारा काम है चैनल को आइडेंटिफाई करना। क्लियर कर देखिए, प्राइस यहाँ पे एक लिस्ट होने के बाद एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है। एंड जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा होगा ना, कभी भी अपर बाउंड्री के आसपास एंट्री मत कीजिएगा, जब तक कि प्राइस यहाँ पे अपर बाउंड्री को ब्रेक करके हायर हाई फॉर्मेशन नहीं बनाता है। हमेशा से कोशिश कीजिएगा, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा बड़ा टाइम फ्रेम में, चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास एंट्री करने के लिए, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी की 70-80% टाइम अगर प्राइस यहाँ पे लोअर बाउंड्री के आसपास आएगा तो यहाँ पे शॉर्ट पकड़ ले सकता है। लेकिन हमको कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। अगर आने वाले टाइम में प्राइस इस चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास आ जाता है एंड यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है, उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन 80% टाइम प्राइस इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं, टेम्पोरली 1-2 डेज के लिए नीचे चले जाते हैं, लेकिन फिर से रिकवर कर लेते हैं। अभी के लिए जो मेजर सपोर्ट बन रहा है स्टॉक का प्राइस के लिए, वो बन रहा है 200 के आसपास। अगर आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 200 के आसपास आ जाता है, टॉच करने के बाद इस टाइप का हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है, जो प्राइस यहाँ पे जो फास्ट स्विंग हाई बनेगा ना, इस स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, स्विंग लो के नीचे एसएल रखेंगे। अभी के लिए देखें जो करंट प्राइस चल रहा है नियरली 252 के आसपास, इस लेवल में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपको वेट करना चाहिए मेजर सपोर्ट 200 के आसपास हायर हाई फॉर्मेशन का, नहीं तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा है, इस डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक करके उसके ऊपर जब हायर हाई फॉर्मेशन बनेगा उसके बाद एंट्री करना है। क्योंकि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा ना, वो डाउन ट्रेंड कहाँ पे एंड होगा किसी को मालूम नहीं है। जैसे कि स्विट्जरलैंड टाइप का स्टॉक लगभग 10-12 ईयर से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, शायद ये स्टॉक भी ऐसा नीचे की तरफ जा सकता है, इसलिए टेक्निकल का कॉन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट है इस टाइप का स्टॉक में। शायद आप इंफोसिस, टेक महिंद्रा, रिलायंस को बाय ऑन डिप कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा स्टॉक होता है जैसे कि चेमकॉन हो गया, नहीं तो स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, वो डाउन ट्रेंड अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक चल सकता है, इसलिए एक बार के लिए प्राइस एक्शन का कॉन्फर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए चेमकॉन के लिए जो मेजर सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 200 के आसपास। अगर आपके पास है एंड IPO से आप बाय किए जो अभी लिस्ट हुआ था, तो अभी के लिए तो सेल करके कुछ फायदा नहीं है। कंपनी देखिए प्रॉफिटेबल है, अभी फ्रेश सेल करके फायदा नहीं है। अगर आप ऊपर लेवल से होल्ड करें, होल्ड कीजिएगा, शायद आपका लेवल के आसपास प्राइस एक बार जाकर टेस्ट कर सकता है। होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन होल्ड कीजिएगा। फ्रेश एंट्री नियर लोअर बाउंड्री आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।